मनीषा रानी एक बार फिर से बन चुकी है ट्रोलर्स का शिकार अपनी ही बात कहने की वजह से। दरअसल दोस्तों, मनीषा रानी का हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आता है जहां की वो एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई और जहां उनकी मीडिया से पेपरासी से इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई। उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उसपे मनीषा रानी साफ ये कहती नजर और उसमें मनीषा रानी साफ ये कहती नजर आई है कि वो कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए नहीं करती है और ऐसा भी नहीं करती है कि कॉन्ट्रोवर्सी आगे बढ़े और जिससे कि मनीषा लैमलाइट में आए। लेकिन मनीषा ने ये बात एल्विश के लिए जरूर कही थी कि कुछ लोग लैमलाइट में आने के लिए ही कॉन्ट्रोवर्सियों में आना चाहते हैं और मैं सिर्फ अपनी मेहनत से सुर्खियों में आना पसंद करती हूँ। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्रोलर्स मनीषा रानी को खूब ट्रोल कर रही हैं, उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई जा रही है क्योंकि उनके हाथ मनीषा का एक ऐसा ऑडियो लग चुका है जिसमें कि मनीषा अपने फैंस के सामने रोती नजर आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उन्हें प्यार क्यों नहीं दे रही है। मनीषा के इस ऑडियो में कहने ये रही है कि पहले तो आप बड़ा मनीषा को प्यार करते थे, यूट्यूब पे भी काफी लाइक व्यू आते थे, लेकिन अब तो कुछ खास चल ही नहीं रहा है, आखिर क्या आपको मनीषा पसंद नहीं है। तो इस तरह से एल्विश के फैंस का और मनीषा के ट्रोलर्स का जो कि फिलहाल एक ही हो चुके हैं, उनके कहने ये हैं कि ये देखो वही मनीषा है जो कि एक टाइम पे अपनी बात कुछ और कहती है तो वही दूसरी बात के लिए वो बदल ही जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेशन में हमें बताइएगा जरूर मनीषा के इस कहने को लेकर। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।